आपका विकास पहले चुनाव में कहा जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है एक रहोगे सेफ रहोगे, क्यों जरूरत पड़ी? अरे तो आप लोग गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं उस चीज का, एक रहोगे सेफ रहोगे क्या? भारत का मतलब क्या है? यूनिटी? भारत क्या सिर्फ हिंदुओं का है? भारत क्या सिर्फ सिखों का है? भारत क्या सिर्फ मुसलमानों का है? भारत क्या सिर्फ जैनों का है? नहीं, इसमें बात की जा रही है यूनिटी की, एक साथ ही रहना है। मेरा जो हमेशा का तर्क रहता है वही आज रहेगा, मजा तब आएगा जिस दिन पगड़ी खुले तो टोपी और जनेब एक साथ उड़ेगी, पगड़ी बचानी है, बात तभी मजा आएगा भाई। तो इस चीज को गलत नहीं लिया जाए। गलत नहीं है सर, पूरा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति कर रही है, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा कहा जा रहा है। पूरा यार आपको एक बहुत बढ़िया बात करते हैं, आज कहाँ खड़े हो? ये कौन सी जगह है? लाल किला है, दिल्ली है, चांदनी चौक है। यहाँ क्या है? लाल किला। औरंगजेब का वही तख्त है जिस जो ये पीछे देख लो मंदिर है, गुरुद्वारा है, सब यही मिटाना चाह रहा था ना वो, आज सब एक साथ है देख लो। कौन बांट दिया आपको? नहीं बट अरे ये सब बातें जो है ये सोशल मीडिया में ही अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर असलियत की बात की जाए ना, आज भी यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी और हमेशा पढ़ी जाएगी, आज भी मस्जिद में अजान पढ़ी जाती है, खुले स्पीकरों में पढ़ी जाती है, पढ़ी जाएगी। रही बात यहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में डेली अरदास होती है, वो होती रहेगी। रही बात ये मंदिर है, यहाँ डेली घंटी बजती है, यहाँ डेली बजती रहेगी, यहाँ बजती रहेगी। सर जहाँ बहुल क्षेत्र हो वहाँ बजा के दिखाइए, हनुमान चालीसा तक बंद करा देते हैं। अरे कौन बंद कर रहा है? अभी भाई साहब कह कर गए हैं कि सीलमपुर में 28 साल से उनका घर खाली पड़ा है, कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? तो खाली कैसे हो गया? खाली कैसे हो गया? क्या करेंगे? कह रहे हैं बहुल हो गए, कह रहे 100 थे आज 1000 हो गए, मजबूरन खाली करना पड़ रहा उनको। अच्छा एक बात बताइए, तो वहाँ हिंदू नहीं रहता था पहले? पहले हिंदू रहता था, अब नहीं गया तो उसी बात को तो लेकर बाकी का हिंदू कहाँ गया? आप एक बात बताओ ना, आप जब एक जगह रह रहे हो आप उस जगह को अपने स्वार्थ के लिए छोड़ के चले जा रहे हो, बाकी आपका पीछे जो जरा जा रहा है तो वो तो आपकी गलती है। आप जो कश्मीरों के लोग कश्मीर के लिए आज इतना कुछ बोलते हैं, कश्मीर खाली क्यों किया? अगर खड़ना था तो उस समय एक साथ खड़े होते सब, है ना? क्यों नहीं खड़े हुए? जब आप मजा तब आए ना जब एक्शन का रिएक्शन हो, आप वही नहीं कर पा रहे, आप रो रहे हैं तो रोते रहिए, क्या होगा? आज सिख बैठ के क्या कर रहा है? रो रहा है कि हमें वो नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आपने इंसाफ के लिए क्या किया? मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, आज जैसे आज हमारा गुरुपुरब है, यहाँ मैं खड़ा होकर क्या सबसे लड़ता रहूँ? आज गुरुपुरब है भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो गुरुद्वारे। ये तो मेरी गलती है कि मैं ये आस लगा के बैठा हुआ हूँ, और ये मेरी गलती है अगर कोई मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दे रहा है, कोई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा दे रहा है, ये मेरी नापुंसकता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसी बात को तो लेकर कांग्रेस कहती है कि जब तक कांग्रेस का शासन था चारों तरफ भाईचारा था, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहां जहां बीजेपी का शासन है, चाहे केंद्र में बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, जब से बीजेपी आई तब से भाईचारा क्यों खतरे में हो गया? कह रहे हैं भाईचारा था। हाँ कह रहे थे कांग्रेस 1947 में क्या हुआ? भाईचारा था। भाईचारा अगर था तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान भारत क्यों बांट दिया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों बना दिया? अगर भाईचारा था तो 1984 क्यों हो गई? अगर इतना बड़ा था, एक बार बताओ ना मुझे, अगर आपका इतना ही बड़ा भाईचारा, कांग्रेस इतना प्रिय थी, मुझे एक बात बताओ, आज मेरा मुसलमान भाई इतना परेशान क्यों है? कांग्रेस के कारण, सबसे जो पुरानी नीति, क्यों नहीं वो एक बात बताओ, आज मदरसे उनको चलाने पड़ रहे हैं, क्यों चलाने पड़ रहे हैं? सबसे पहला रीजन आज सब बोलता ना मदरसा मदरसा, मदरसा का कारण क्या हुआ? क्योंकि हम उनको एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाए उस पार का। कांग्रेस उस तरीके का एजुकेशन तो हितैषी रही है मुसलमानों का शुरू से लेकर कहा जा रहा है। अच्छा हितैषी के लिए उन्होंने क्या किया? एक एक मुझे बात बताओ मुसलमानों के लिए आज हम बताते हैं। हाँ, वक्त बोर्ड दे दिया और तमाम तरह के बोर्ड, तमाम तरह के कानून जो है दे दिए गए। बोर्ड ने मेरे मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया? आप एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड आज 3 नंबर पे आता है, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसने आज कौन सा मुसलमानों के लिए आज वो बना दी स्कूल? बनाया? नहीं बनाया। कोई हॉस्पिटल बनाया जो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर हो? नहीं बनाया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी माँ बहन भाई कोई भी धर्म जात का हो, धर्म बड़ी बात नहीं है, बात वह है इंसानियत, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। मदरसे आप बोलते हैं ना मदरसे खराब है, ये खराब, वो खराब नहीं है, वो उनका पढ़ाने का तरीका है, वो अपना रिलीजन पढ़ा रहे हैं उस तरीके से। अगर अगर आप उनके साहित्य हैं, आप चाहते हैं कि उनका मुसलमान ग्रो करे, तो उसके लिए एजुकेशन के लिए कुछ तो करो। अगर उसको आप पढ़ाना चाहते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए आपने कदम क्या बढ़ाया उसको? एक भी कांग्रेस जवाब नहीं दे सकता। आज राहुल गांधी से आप ये चीज पूछ लो ना कि अगर आप कह रहे हो कि मुसलमान ये वहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे, किस मुसलमान का भला करके आए हैं? पूछ क्या उनसे, इतना मेरा मुसलमान भाई परेशान है। यही चांदनी चौक में आपको मैं बहुत दिखा दूंगा जो परेशान है, यहाँ पटरी में उनको दुकानें लगानी पड़ रही है, 60 साल की सरकार थी, एक दुकान नहीं दे पाए उनको, है एक दुकान नहीं दे पाए। आज मेरा मुसलमान भाई, ऐसा मुसलमान नहीं बोलूंगा, आज मेरे बहुत सारे भाई हैं जो झुग्गियों में रहने हैं, 60 साल की सरकार में आज उनको एक कमरा नहीं बना के दे पाए, एक कमरा तो कम से कम बना के देते, वो भी नहीं हुआ उनसे।
वो तो कोई आलिशान घर तो कोई भी नहीं मांगता है। जो परेशान है वो क्या मांग रहा है? आप यहाँ देखो रैन बसेरा बना रहे हैं। अबे रैन बसेरा बना रहे हो, तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, कम से कम वो बनाओ, एक कमरे का घर तो दे दो। कि अगर कोई माँ, आप एक बात बताओ, कोई माँ कोई बहन रोड पर सो रही है, आपको दया नहीं आ रही है? इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल उसमें बैठे हो। दिल्ली में दो सबसे बड़े घर जो है, एक होता है प्रधानमंत्री निवास, एक राष्ट्रपति निवास, एक है अपना सोनिया गांधी जहाँ बैठी हुई है। कांग्रेस का इतना बड़ा हो, अगर तुम्हें इतने मुसलमान प्रिय हो तो आसपास कम से कम एक एक रूम के उन बिचारों को घर तो दे दो। बनता है कि नहीं? यहाँ जितने भी मेरे भाई मुसलमान अगर खड़े हैं, किन्हीं को लग रहा हो कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सीधा मेरा विरोध करो। पॉलिटिकल जो होता है ना, पॉलिटिक्स हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलेगी। आज बात अगर, हाँ बताइए बताइए। फिर राहुल गांधी कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं? अरे मोहब्बत की दुकान उनकी दादी भी तो खोलना चाहती थी, टैंक आर्मी लेकर चढ़ गए दरबार साहब के ऊपर, तो वो उस समय उस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे पा रही वो? आप एक ताकत से लड़ना चाह रहे थे, संत भिंडरा वाले एक ताकत थे, दो ताकत आपस में लड़ना चाह रही थी, ठीक है। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो इन्होंने नंगा नाच किया है, उस चीज़ का जवाब आज कांग्रेस क्यों नहीं दे पा रही है? उनसे कभी पूछो तो सही, उस चीज़ का जवाब उनके पास नहीं होगा। आज तो बहुत मोहब्बत मोहब्बत की बातें करें, क्योंकि उनको पता है कि वोट कार्ड क्या है। अगर मुझे अपना वोट का विक्टिम कार्ड खेलना है तो मुझे मुसलमानों के लिए कुछ करना होगा, तो मुसलमानों को विक्टिम कार्ड दिखा रहे हैं। अरे मुसलमान मेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं है, वो आज वो अपनी रेड़ी पे भी लगा के कमा रहा है, वो पटरी पे भी बैठ के कमा रहा है। अगर जब तुम्हारे पास 60 साल था, जब तुम्हारा दादा परदादा दादी मामी सब तो यहीं बैठा हुआ था, सब क्यों नहीं कर पाए? मुसलमानों को लेकर इतना बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मौजूदा सरकार क्या कर रही है भाई? वो भी तो कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, वही तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले कि इस समय बीजेपी सरकार जो अंग्रेज करते थे कि बांटो फूट डालो राजनीति करो राज करो, वही तो इस समय बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, तमाम तरह के जो है धार्मिक जो है नारे लगवा कर, तमाम तरह के मंदिर मस्जिद में उलझा कर युवाओं को जो है बगैर काम धंधा दिए, वही काम तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा मुस्लिम जगह का पलायन हुआ है बताइए? पलायन तो पूछो, पलायन हुआ है उत्तर प्रदेश में कौन से मुसलमान? बस बुलडोजर अगर चला है तो ज़्यादातर उन्हीं के घरों पर चला है। अरे इनकाउंटर हुआ है तो ज़्यादातर उन्हीं के घरों पर हुआ है। विकास दुबे हिंदू था कि मुसलमान? हिंदू। गाड़ी उसकी पलटी की नहीं? पलटी की। एक बात मुझे बताओ, अगर आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, अयोध्या का रोड वो बन रहा था, रोडवे गेटवे बनाया जा रहा था, वहाँ कितने हिंदू थे? 88% वहाँ पे हिंदुओं का घर था। तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, ना मुझे बीजेपी से कोई मतलब है, ना वो मेरा घर चला रहे हैं, ना मुझे पैसा दे रहे हैं। मुझे मतलब है अपने भारत के लोगों से। हम देश प्रेमी लोग हैं, हमें चाहिए अपना भाई जो यहाँ बैठा है वो खुश रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मेरे धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो, वो खुश रहे। वो एक इसलिए बोल रहे हैं कि वो सबको चाहते हैं कि वो एक रहे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो, वो एक रहे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। विपक्ष में बैठा हर आदमी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि हिंदू आप एक रहो, सिख आप एक रहो। अगर ऐसा ही करना था तो हम खालिस्तान मांग लेते हैं। मैं बोलूँ ना, मैं खालिस्तान मांग लेता हूँ, आज हर एक आदमी मुझे खालिस्तान यहाँ बैठ बोलना शुरू कर देगा, तो भाई गलत बात है ना ये। उनका कहने का मतलब ये है सर, एक चक्कर हो, मुझे मतलब है मेरे भारत लोगों से, भारतवासी खुश रहने चाहिए। यहाँ किसी को ना मारा जाए, ना जबरदस्ती की जाए। हर घर किसी का सपना होता है, किसी का घर नहीं टूटे फालतू का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो। प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, क्यों? माहौल के लिए बोल रहे हो, पूरे देश के लिए बोल रहे हैं कि सब साथ रहो, मिल के रहो, ठीक है? वो किसी धर्म के लिए नहीं बोला उन्होंने। जो लोग बाग अपना वो निकाल रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, गलत निकाल रहे हैं। और फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको भी पता है चोर है, चोर की दाढ़ी में किसके चोर, कौन चोर? विपक्षी चोर है, विपक्षी चोर, बिल्कुल। भाईचारा दांव पे लगा, भाईचारा कहाँ है? भाईचारा तो है ही नहीं कहीं भी, भाईचारा कहाँ है? कटोगे कटोगे सही है, वो बटोगे कटोगे किसी के लिए नहीं कहा है, सब मिल के चलो, देश को एक मुट्ठी में रखो। अच्छा। ये बोला है। अच्छा। किसी धर्म का नाम नहीं लिया। विपक्ष वाले तो टोटल कह रहे हैं एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा किया, वाले तो कह रहे हैं विफल हो जाए, उनकी तो दुकान तभी चलेगी, लोगों के आपस में बांटेंगे तो तभी उनकी दुकान चलेगी भाई। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष कौन कहेगा उनको? अच्छा, बटोगे तो विपक्ष कहने के लिए सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। बटोगे कटोगे सही है, क्या विचार रखते हैं? दो राजनीति का है बस।
राजनीति है सिर्फ, राजनीति एक रहोगे सेफ रहोगे वो तो कुछ नहीं, राजनीति है बस, सब राजनीति है लगता है। नहीं नहीं बटेंगे तो कटेंगे, सही कह रखा है, अपनी आने वाली पीढ़ी भूल जाएंगे हम, सही कह रखा है, सही कह रहे हैं कि एक होने की जरूरत है, एक होने की बिल्कुल। एक बिखरे कब थे भाई, सब एक था, जब बिखरे तभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश बना, बिखरे ही नहीं होते तो कहाँ से बनते। हाँ जी।